हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चटपटी मसालेदार स्पेशल अंडा करी की रेसिपी लेकर आया हूं। दोस्तों, जब आप इस तरह से अंडा करी बनाओगे तो आप अपने सारे पुराने तरीके को भूल जाओगे। और दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको हमारी रेसिपी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सरसों ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन। लहसुन को मैंने छील कर इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अदरक। अदरक को मैंने कद्दूकस करके इसमें ऐड किया है। अब हम इसे 15 से 20 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इसे ज़्यादा बारीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसके साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे स्वादानुसार नमक। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पका लेंगे। 3 सीटी लगने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे पोटैटो मैशर की सहायता से और बारीक बारीक कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। तो मैंने एक कढ़ाई लिया है, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सरसों ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें कि मैंने जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल और स्टार ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 तेजपत्ते, 4 से 5 लाल मिर्च और अब हम इसे 30 सेकंड तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था। इसे ऐड करने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब काली मिर्च और जीरा पाउडर ऐड किया है। 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मटर। एक बात का ध्यान रखें कि मटर बिल्कुल ही ताजी होनी चाहिए। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पका लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब हम इसमें एवरेस्ट चिकन मसाला का एक छोटा सा पैकेट ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे स्वादानुसार नमक। और अब हम इसे एक बार दोबारा अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट और मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले और मटर अच्छे से पक चुके हैं और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड कर लेंगे और एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढककर 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। जब तक हमारा ग्रेवी तैयार होता है, अंडे का पाउच लगा लेते हैं। तो मैंने एक कलछुल लिया है, इसमें मैंने सरसों ऑयल ऐड कर लिया और अब हम इसमें 1 अंडा फोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक छिड़क लेंगे और इसे हम दूसरी साइड पलट लेंगे। दोस्तों, इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाना है और अब हम इसे अलटते पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे अंडे का अच्छा सा पोच तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह से सारे अंडे को पोच लगा लेंगे, जितने आपको अंडे
बनाने हैं। आप देख सकते हैं हमारा पाउच कितने अच्छे से बन रहा है। जब भी आप पाउच बनाएं तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखें। तो मैंने सारे अंडे का पाउच लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमारे पाउच कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बिल्कुल ही लाजवाब। तो दोस्तों अब हम इन सारे पाउच को अपने ग्रेवी में ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरा धनिया पत्ता। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम इसमें सारे अंडे के पाउच को ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारा स्पेशल अंडा करी बनकर बिल्कुल ही तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चावल, गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।